नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, उनका छाता निवासी अनय घोष के साथ विवाह हुआ था। उनके पिता वर्ष में एक बार कचहरी लगाने आते थे, इसी के कारण उस स्थान का नाम बरसाना पड़ गया। ये शब्द पंडित प्रदीप मिश्रा का है। जी, आपको बता दें कि इस बयान को लेकर बरसाना में जमकर विरोध हुआ। बरसाना वासी पंडित प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने के लिए 3 दिन का समय दिए थे। हालांकि इस 3 दिन में पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी नहीं मांगी, लेकिन वहीं उनके बयान को लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि प्रेमानंद महाराज जी ने उनके इस बयान की अवहेलना किए थे। अब क्या है पूरा मामला, आपको हम विस्तार से बताते हैं। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने बीते दिन शनिवार को नाक रगड़कर माफी मांगी है। पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार को बरसाना पहुंचे थे। यहां उन्होंने राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ कर माफी मांगी। इसके बाद वह राधा रानी के मंदिर में दंडवत हो गए। पंडित प्रदीप मिश्रा को मिल रही लगातार धमकियों के कारण राधा रानी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम के कारण यहां पहुंचा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि मेरे वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा सभा से निवेदन है कि कोई किसी के अपशब्दों को नहीं कहे, केवल राधे राधे और महादेव कहे। राधा रानी विवाह पर मथुरा महापंचायत में संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने की बात कही थी, जिसके कारण उन्होंने माफी मांगी। वहीं आपको बताते चले कि पंचायत ने यह भी कहा था कि अगर वो 3 दिन में बरसाना आकर माफी नहीं मांगते तो संतों ने यह भी कहा था कि हम बयान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा रहे हैं। लेकिन अगर प्रदीप मिश्रा ने 4 दिनों या फिर 3 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं राधा रानी पर की गई टिप्पणी पर प्रेमानंद महाराज जी ने भी पंडित प्रदीप मिश्रा को फटकार लगाई थी। दरअसल आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है प्रदीप मिश्रा को। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज जी के बीच सुलह भी करवाई, उन लोगों में जो तकरार चल रही थी। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद देश भर में संतों ने विरोध किया था। संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इसके साथ ही संतों ने उन्हें धमकियां भी दी थी। वहीं प्रदीप मिश्रा ने अब माफी मांगकर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। अब आपको हम बताते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। शुरुआती दौर की जानकारी हम आपको बताते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म साल 1980 को हुआ था। उनका उपनाम रघुराम है। निम्न मध्यवर्गीय परिवार से होने के कारण बचपन अभावों में बीता। जब बड़े हुए तो उन्होंने स्कूल टीचिंग में अपने हाथ आजमाए, साथ ही पंडिताई भी करने लगे। उन्होंने बड़ी मुश्किलों की हालत में अपनी बहन की शादी की। पंडित मिश्रा को बचपन से ही भक्ति भजन में काफ़ी रुचि थी, जिसके चलते वे अपने स्कूल के दिनों में भजन कीर्तन किया करते थे। इन्हीं में से आपको बताते चले कि सीहोर वाले बाबा के नाम से इन्हीं सब कारणों से वो जानने लगे, लोगों के बीच में जाना जाने लगे। वहीं आपको बताते चले कि जब वे बड़े हुए तो सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने के लिए प्रेरित किया। गीताबाई पराशर ने उन्हें गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भेजा। बिठलेश राय काका जी के वहाँ उन्होंने दीक्षा लेकर पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। प्रदीप मिश्रा ने शुरू में शिव मंदिर से कथावाचक शुरू किया था। इसके बाद से सीहोर में पहली बार कथावाचक के रूप में मंच संभाला। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने कार्यक्रम में कहते हैं, एक लोटा जल समस्या का हल, यही बात लोगों को खूब भाई और इन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। वे अपने प्रवचन में शिव पुराण की कथा सबसे ज़्यादा करते हैं, उपाय भी बताते हैं, जिसके चलते वे प्रसिद्ध हुए हैं। पंडित मिश्रा के सोशल मीडिया पर खबरें भी और लगातार फॉलोवर्स भी बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से पंडित प्रदीप मिश्रा पिछले 1 महीने से चर्चा का विषय बने हुए थे, क्योंकि उन्होंने राधा रानी को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर सभी संतों में भयंकर नाराजगी देखने को मिल रही थी। यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज जी ने भी उनको फटकार लगाई थी कि इन्हें शस्त्रों का ज्ञान नहीं है। फिलहाल उन्होंने नाक रगड़ कर राधा रानी यानी कि बरसाना में जाकर उनसे माफी मांग ली है और लोगों ने उन्हें क्षमा भी कर दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।